छत्तीसगढ़ के लोगों की भगवान राम के प्रति गहरी आस्था है। छत्तीसगढ़ का चंदखुरी भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। आपको बता दें कि चंदखुरी में कौशल्या माता का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। राजधानी रायपुर के करीब बना माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। यह मंदिर तालाब के बीचों बीच बना हुआ है और आसपास जहां तक देखें वहां खूबसूरत दृश्य ही दिखाई देता है। मंदिर के प्रांगण में एक गार्डन भी बनाया गया है। वहीं तालाब में समुद्र मंथन के दृश्य को भी दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। कौशल्या माता मंदिर में मौजूद माता की प्रतिमा भी अद्भुत है। यहाँ माता श्री राम को गोद में लिए हुए हैं। यह पूरे देश में कौशल्या माता का इकलौता मंदिर है। बताया जाता है कि महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इनमें उनका जन्म स्थान चंद्रपुरी भी शामिल था। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था। राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है। मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की मूर्ति स्थापित है। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्य अभिषेक किया गया। उसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची थी। तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गईं। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करने लगे तो माता सुमित्रा और कैकेयी रूठ कर दूसरी जगह चली गई, लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान है। छत्तीसगढ़ के एक धरोहर के रूप में माता कौशल्या के माता कौशल्या के जो मंदिर यहाँ पे बना है, उनकी मूर्ति बना है और ऋषि मुनियों के साथ उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ चारों भाइयों की मूर्ति और सुमंत जी की भी मूर्ति के साथ इनकी जो ख्याति है, हम पूरे छत्तीसगढ़ में नाम सुने थे और हम लोग सब 4 या 5 आदमी हैं यहाँ पे, सबके सब अयोध्या जाने वाले हैं। तो अयोध्या जाने के पहले हम सोचे माता कौशल्या के मंदिर और इस जीर्णोद्धार तालाब का मुआयना कर लें, देख लें, दर्शन कर लें, उसके बाद ही अयोध्या धाम जाने का विचार है। इस उद्देश्य से हम लोग बिलासपुर से चल के रायपुर जिला के चंद्रखुरी स्थान में आए हुए हैं और ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ये सब जाके अपने मित्रों के साथ अपने साझा करेंगे। जानकारी इसका प्रचार नहीं हुआ था, श्री बघेल जी द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ में पूरा प्रसार हुआ है। उससे जानकारी होने पर हम लोग सब यादव समाज के सदस्य हैं और यहाँ दर्शन करने आए हैं कौशल्या माता का। हाँ, हम पहली बार आए हैं बिलासपुर शहर से और माँ कौशल्या के ये नगरी धाम के बारे में बहुत सुने रहें,
तो ओखरे दर्शन के लिए हमन आए हैं। ये सुने रहन बहुत अच्छा है कहके रूपेश बघवाल बनवाए कहके, वही की वजह से हम आए हैं।